show. Attack! Oh! Paji, आदमी उम्र छुपा सकता है, पैसा छुपा सकता है, पेट की कब्ज छुपा सकता है, हालांकि वो भी बड़ी मुश्किल छुपती है, पर इश्क मुश्किल नहीं छुपा सकता, क्यों भाई? ये भी है, और दूसरी बात, टैलेंट भी आदमी का कभी छुपता नहीं है, ये बात सही। एक ऐसा आदमी है पाजी हिंदुस्तान में जिसके टैलेंट का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, उनकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, एंड ही इज द वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। वाह! तो वो आते नहीं है टीवी शोज में, तो इसलिए मैंने स्पेशली अपनी नानी को भेजा उनको लेके आने के लिए। वाह नानी, कप्पू देख, कप्पू, कप्पू, कप्पू देख, देख, कप्पू देख, देख, कप्पू देख, मैं किसे लाई हूँ, कप्पू देख, किसे लाई हूँ? अरिजीत को, पहचाना नहीं? ये कहाँ अरिजीत है? देख नानी, एक बात बता दूँ तुझे, हर भजन गाने वाला ना हनी सिंह नहीं होता। हनी सिंह नहीं, हाँ तो अनूप जलोटा। हाँ तो इतना दिमाग है तो तेरे को ये नहीं पता अरिजीत नहीं है ये? कोई बात नहीं, मेरा एक कान धोखा खा सकता है, दूसरे खान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। दूसरे खान ने नहीं, दूसरे कान ने। हाँ वही वही वही, दूसरे कान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। रुक, दूसरे वाले भाई साहब जरा आना। ए तू जाना, क्या रात का खाना खा के जाएगा चटक? नानी तू बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा, तेरे को पता भी है अरिजीत सिंह कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सिद्धू जी, अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर है, टीवी पे कम नजर आता है वो, तो मैं कैसे उसको पहचानूंगी? और तू क्या बड़बड़ 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 करे जा रहा है, कम से कम दिखाई दे अरिजीत सिंह कौन है। अरिजीत सिंह ऐसे नहीं आएंगे, फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। ओहो अरिजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तुम ही हो, कितना गोलू गोलू सा है, हाय बड़ा सोना है सच में। ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। अब तुझे बराबर से देख ली हूं मैं, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर पप्पी मत लेना आप सिर्फ। फालतू बात कर दी है अभी। आज एक बार अरिजीत को देखा, कहती मैं नहीं भूलूंगी, नाना सारी उम्र साथ रहा है और मेले में छोड़ के आ गई, पता है? पुलिस वालों ने 10 नाना चेक करवाए, कहते ये इन्होंने नहीं पहचाना, फिर नाना बढ़कर आया, कहते यही है यही है यही है। हाँ तो बुराई क्या है? बुराई तो नाना पाटेकर को दिखी इनमें, वो कभी नहीं बोलते, हमेशा ये बोलते अच्छा है अच्छा है, इसको देख कहते बुरी है बुरी, बहुत बुरी है। चुप कर, अच्छा ऑप्शन मिल रहा था तो क्यों छोड़ू। वैसे भी मैं क्या कह रही थी, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तू बड़ा शर्मीला है। जी वो तो हूँ। हाँ लेकिन यहाँ खुल के बात करना, ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुझे खोल दूंगी, ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा एक बार जोरदार तालियां अरिजीत के लिए। हट हट, मेरी बात सुन। How are you, my dear friend? God bless you. You're a wonderful thing. सच्ची सच्ची बोल जी, मुझे देख के तुझे कौन सा गाना याद आ रहा है बोल। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। अच्छा मैं सोच के रखता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ठीक है? याद रखना, वापस आऊंगी। ठीक है ठीक है, बड़ी चिपकू हूँ मैं। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत प्लीज वेलकम, आइए। पारी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं, तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेयर करके आया। ओह गॉड, नहीं सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था, 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले, और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए, और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको। मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड,
हाँ बहुत मुश्किल से एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे रिस्पेक्ट करता हूँ पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं हाँ मालूम है हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके फैंस यहाँ पे भाजी अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है अरिजीत सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय ओके इट वाज फॉर अ एक हिंदी वर्जन था हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है ओके हॉलीवुड का उसका हिंदी वर्जन एक था मैंने गाया था राजा हसन ने गाया था तरन्नम ने गाया था सो शिल्पा ने गाया था तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था ओके एंड देन मिथुन गिव मी द सॉन्ग जी ये मर्डर 2 का गाना था फिर मोहब्बत जी दैट वाज द सेकंड बाद तो आपने लड़ी लगा दी एक पे एक हिट के बाद फिर हो गया वैसे चलिए बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आपसे पाजी अरिजीत के पापा पंजाबी हैं मम्मी बंगाली हैं तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी जी यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं क्यों मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा अच्छा ये नहीं ऐसी ऐसी बातें आप मत करिए वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके चलो ऐसी बातें नहीं करते हैं ऐसी बातें नहीं करते कुछ शायरी वाली करते हैं हाय हाय प्लीज यहां कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं वाह यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुमारा है क्या बात है कहां से निकाल के शेर मारा है क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं नहीं नहीं हिंदी पंजाबी बंगाली इंग्लिश भी नहीं आती आती मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके आई मीन ये मेरा सवाल नहीं है ये यहाँ पे बैठे बहुत पंजाबी से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है पत्नी से डरने हो गया ना अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो या आप ही का तो फिर पूंछ नीचे दबा भगलो और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ ये शादीशुदा लोगों का मैंने आपको बोला कि सवाल था डायरेक्टली बता देता हूँ ये सवाल सिद्धू बाजी का था हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है पर इनका कोई भरोसा नहीं कोई लड़की उठा के फेंक दे बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है वो नहीं फेंकी जाएगी फ्लो फ्लो में कभी नहीं पता चलता अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं अच्छा उनका आप देखो एक एक वर्ड को एक्सप्रेशन देके गाते हैं लेकिन अरिजीत कभी कभी बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बनते हैं जिन पे शायद एक्सप्रेशन देख के आना मुश्किल हो जैसे कंदी पौ कंदी पैं तो इसको तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते कि नहीं अच्छा अरिजीत जैसे फिल्मों में होता है कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं जैसे आप बोलते हैं यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है इसमें संतरा डाल दो ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं ऐसा नहीं ऐसा हुआ नहीं है कभी अच्छा अरिजीत एक बात बताओ जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं कि कभी कभी ऐसे गा देते हैं नहीं एक्चुअली नहीं पूछते हैं जैसे इमरान हाशमी है इन्होंने उनके लिए भी गाया है तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा हालांकि वो आपका नहीं है कि आ, 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 आ। तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि चार ओ है जिसमें तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनैलिटी देख के निकलेगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता है पता नहीं मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक मुझे आइडिया नहीं है क्यों फंसा रहे हो मुझे नहीं मैं फंसा वो क्या है ये बस 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 मिलेगा 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 मैडम ऑटोग्राफ रुक जाओ मैडम ऑटोग्राफ सारे के सारे पीछे पड़ गए हैं ऑटोग्राफ भी मिलेगा सेल्फी भी मिलेगी रुक जाओ जरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए पेशेंट हो गए कितने इंपेशेंट हो रहे हैं सारे के सारे क्या हो क्या रहा है ये मुझे क्या मैं क्या बताऊं आपको ये देखिए सेल्फी लेनी है इन्हें पीछे पड़ गए हैं यस सर ये क्या है अरे मैडम छोटे फोन में आते हैं इसलिए बड़ा फोन लेके आया हूँ सर तू लैपटॉप उठा के ले आया ए कपूर शर्मा जी मैं आपको बता दूं कि क्या है कि मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूँ ना तो बड़ी स्टार बहुत
बड़ी स्टार बहुत बड़ी स्टार बनने से पहले मैं बस किस तरह चलूंगी, किस तरह अपने आप को मैनेज करूंगी, उसकी रिहर्सल ही कर रही थी। देखो बंपर, स्टार बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ जाओ तो आप स्टार बन जाओगे। क्या क्या यहाँ के मेरी बेइज्जती सुनने के लिए खड़े हो तुम लोग? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा सा डांस भी दिखा दूं? निकले, निकले, निकले। कपिल शर्मा, शायद आपको पता नहीं है कि मैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मिलकर एक नया बैंड खोला है। हमने म्यूजिक की दुनिया में हाथ डाला है। ये कहीं पे कुछ भी डाल देती है, अब हाथ निकाल भी ले। कल तो गन्ने के रस में ना अपनी चोटी डुबो के चूस रही थी। हाँ तो चोटी मेरी, गन्ने का रस मेरा, मैं डुबो के चूस रही थी तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका मन क्यों खट्टा हो रहा है? आपको पता, आप सोच रहे होंगे इधर देख के बात क्यों नहीं करती, इसकी गर्दन घूमती नहीं है। ऐसी कोई बात देखा, पूरी घूमी है, गर्दन नहीं घूमी। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, गॉड। इतने इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, आप भी कमाल हैं। अरे बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे ही आदमी के घर में आपसे इस तरह मुलाकात हो जाए। नहीं लेकिन इतने सालों बाद आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स पहचाना, तू पिलारी थोड़ी जो तुझे पहचान जाएगी। नहीं नहीं, कपूर शर्मा शायद आपको पता नहीं है, वो क्या है, इनका वो गाना है ना, सिग्नल तोड़ ताड़ के आई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, हु इज दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड इन दैट, पूछिए। कौन था? मी। मैं सच बताता हूँ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये वो ट्रक था जिसने सिग्नल तोड़ा था। आपको पता पाजी, आजकल तो नहीं ये लिखवाती, पहले इसने पीठ पे लिखवा हुआ था। आ, क्या? कि जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। ओह गॉड। वेरी गुड। पता नहीं क्यों कपूर शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बच्चों में से रहे होंगे जिन्हें जब शतरंज खेलना नहीं आता तो दूसरों का शतरंज का गेम ऐसे बिगाड़ के तोड़ ताड़ के भाग जाता है, वैसे ही थे ना? और ये पता किन बच्चों में? जिस बच्चों को स्पेशली इसलिए रखा जाता है मैच में ताकि अगर गेंद नाली में गई तो निकाल के लाएगी। तो अगर कुछ लेकर आती है, समाज की सेवा ही करती है ना, इसमें गलत क्या है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि आपका ऑपोजिट क्या है? आपका ऑपोजिट है अरिहार, अरिजीत, अरिहार। Fantastic joke. Thank you, thank you. ये जोक ना ऐसे तैयार नहीं था मेरे दिमाग में, ऐसे ही मैंने अभी बना दिया। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। एक और कभी कोई आपको ऐसे गाना गाने के लिए कहता होगा तो कैसा अजीब साउंड करता होगा ना, कहते होंगे अरिजीत सिंह सिंह, अरिजीत सिंह सिंह। ये भी मैंने अभी अभी बनाया है। बनाया अभी अभी, लेकिन हम बाद में काटेंगे। खैर मैं कह रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू कंटिन्यू। इस तरह डिस्करेज कर देते हैं। अच्छा इसने स्कार्फ बांधा, इससे इंप्रेस मत होना, इसने ना शोल्डर के साथ मुंह बांधा हुआ है, बताया ना, तो गर्दन है नहीं। गर्दन, देखो मैंने वर्ड प्ले किया। देखिए आपके रोमांटिक गानों पे इतने सारे लोगों ने रोमांस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब आपके गाने पे सच्चे प्यार करने वाले रोमांस करें जी। और मेरा यकीन मानिए, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, तेरा अपना ही पेट आएगा देखना।
कपू शर्मा, ये सारी ऊट पटांग बातें आप ना करें, वक्त जाया ना करके आप क्यों ना हमारे लिए एक गाना गा दें। नहीं, अब तो लेजेंड ए आर रहमान ने भी कह दिया है कि आप अच्छा गाते हैं। ये बात तूने मजाक में कही बट मेरे को अच्छी लगी। आई लाइक इट। तो गा दीजिए गाना। मैं अरिजीत के होते हुए मैं क्यों गाऊंगा? क्योंकि हम रोमांस कर रहे होंगे तो हम खुद कैसे गाएंगे, मतलब ये खुद कैसे गाएंगे? बात तो सही है। तो पहले पूछो उसको रोमांस करना है आपके साथ। नहीं, मैं सिर्फ मैंने पहले ही पूछ लिया था कि स्पेस बड़ा है तो मैं मतलब थोड़ा सा भाग सकूंगा। नहीं नहीं, ऐसे तो भागने का मौका हम आपको देंगे नहीं। चारों तरफ तो ये है, कहाँ से भागोगे? मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, यहाँ पर हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है तो हमारा बैंड तैयार है, आप एक बार देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बैंड का? हमारा बैंड भी है? हाँ हाँ, क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, ओह गॉड, मशहूर मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पहले मैं हेलो, साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर? हेलो, ऐसे सिंगर है हम? प्रॉब्लम जी, मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी, तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर हैं आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने? सलवार नहीं, इन्हें जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं। तो फिर? फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था, आपको समझते हैं, दो तीन लोग थे। बाय द वे अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माइसेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर? But yeah, you know, we are Indians. लोगों को पता नहीं होता। यहाँ लिखा होता यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंकते हैं। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। Well, Arijit, as a doctor, I must tell you कि मैंने आपको पहली बार देखा है। You are a good looking guy. मैं आपका मुंह देख के बताऊँ आप कैसे लग रहे हैं? नहीं मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धू साहब, ये 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं नहीं सही बात है, आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुँह पे बात, मौका ही चाहिए होता। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई एम बेसिकली आई एम सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट अरिजीत, एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं जब भी आपका गाना सुनता ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। आपकी वाइफ दो घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना।
हाँ कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पे जाते थे, उनको बाद में पता चला बीड़ी तो ला के पीते हैं तो वो वैसे पीते रहे। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्स, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, सीधे साहब मेरा फर्ज बनता मैं किस काम का डॉक्टर बनता। आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो यू कैन नॉट रन। सब एक सेकंड, एक सेकंड। हां आपके मक्खी फंस गई, निकालो निकालो निकाल दो निकाल दो। नहीं मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब ये ड्रम बजाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाते मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार, चलो डॉक्टर साहब जुगलबंदी हो जाए, कोई जुगलबंदी। चलिए जुगलबंदी ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके अरिजीत जी, लेट नहीं सकता मैं? अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं, बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूँगा। आप देखें सिद्धु साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ। मैं आपको बात करूँगी। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी, आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है, देखिए देखिए इसको। ठीक है, आप गिर मत जाना। नहीं नहीं नहीं, इसकी तरफ देखिए प्लीज आप। ठीक है, नो नो नो। शोम शोम श्यामो शाशा। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नहीं है, टोटके करते हैं। नहीं, अब ट्रीटमेंट होगा। शाम शाम शामो शाशा। इसकी तरफ देखिए आप। नहीं मेरी तरफ नहीं, सिद्धू जी के शेर की तरफ। शाम शाम शामो शाशा। आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। Sean, Sean, Shama, Shama, Sean, Shama. डॉक्टर साहब सो रहे हैं, इनका ड्रम बजाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए। आप संडे हो गए, सारे बाल खराब हो गए आपके। ऐसा लगता चुड़ैल का मुंह पंखे में आया। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही, मेरे को नींद आ रही है। अच्छा अरिजीत, मेरे को एक बात बताओ जी, आप गुड लुकिंग हो? नहीं, आपसे पहले नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, मान लो इनसे पहले सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, मिका सिंह सब ने एक्टिंग में ट्राई किया, आपका कभी कोई इरादा है ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका अपना इरादा है कि उनका हाल देख के आपने डिसाइड किया? अरे यार छोड़ दो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा काम होता है कि जो कभी किसी ने ना किया हो। नहीं पर मुझे करना ही नहीं है ट्राई। मैं कहता हूँ हमने करवा लेना। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा मेरा दोस्त है जिसको ये लगता है कि वो अरिजीत को एक्टिंग सिखा सकते हैं? अच्छा आओ नसीर साहब। तो आप खुद एक्टिंग करते हैं? Yes, आप sir. पहले डेमो दीजिए। ओके सर, मैंने तो आप कहाँ पे एक्टिंग करते हैं? तो बेसिकली कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं उसमें। किन के कॉन्सर्ट्स होते हैं? कॉन्सर्ट्स हमारी सोसाइटी के। आपकी सोसाइटी में? यस yes. सोसाइटी में कॉन्सर्ट होता है? सर यस yes. अच्छा अच्छा ठीक है। ओके तो सिखाइए आप प्लीज। सर मैंने नाम सुना तो बताया नहीं आपने यार अपना। नाम ऋषभ श्रीवास्तव जी। ऋषभ सर मैंने सुना कि आप बहुत इनोसेंट हैं, तो आप सुन लिया आपने? कहाँ से सुना है?
Sir, Google से. Sir, आपको थोड़ा गुस्सा भी आना चाहिए. ये नहीं कि कोई बंदा आपने किसी बंदे को काम बोला है. नहीं, गुस्सा आता है मुझे. ऐसा किसने कहा? अभी आएगा गुस्सा. अगर आप दो तीन ऐसी और बातें करेंगे ना, इनको आएगा. अभी आ रहा है. वही सर, मेरा मेन मोटिव वही है कि थोड़ा गुस्से में एक्टिंग करके दिखाएं. गुस्से में एक्टिंग? अच्छा सर, मैं जैसा करूंगा देन आप करके दिखाना. तो सिचुएशन है कि आपने किसी को काम बोला है, वो आपका काम नहीं कर रहा और आप उससे बोल बोल के थक गए हो. तो सर, आप नॉर्मली बोलोगे कि भाई कर दो या प्लीज उसे फोर्स करो कि हाँ कर दो. अभी गुस्सा बोल रहे थे तो सर बता रहा हूँ. अच्छा, आप वहाँ पे जाके ऐसा बोलोगे कि तुम्हें काम करना है कि नहीं, तुमसे काम हो रहा है कि नहीं. अगर तुमसे नहीं हो रहा तो दे दो, मैं किसी और उससे करवा लूंगा. बहुत बहुत लोग हैं जो. तो आप एक्टिंग करके बताओ ना. ठीक है, क्या कर दिया आपने? नहीं सर, सही बताया मैंने. अच्छा अच्छा, ओके सर. तो आप वहाँ पे जाओगे देन. अच्छा, मान लो मैं ऑफिस में हूँ. ये थैंक यू. मैंने आपका काम, मान लो मैंने नहीं किया, आप मेरे से पूछो मेरा काम हो गया? एक्सक्यूज मी सर, मेरा काम हो गया? नहीं हुआ. सर, काम करना है तो करो, वरना नहीं हो रहा तो बता दो, मैं किसी और से करवा लूंगा. बता रहा हूँ, नहीं करना फिर. सर, किसी और से करवा लूंगा मैं. तो करवा लो. ओके सर. बाद में कहता हूँ ओके सर. तो ये गुस्से वाली एक्टिंग कहाँ हुई? सही था तो आपने. और कोई एक्टिंग? यस, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड. अच्छा, ये हो गया सर. इन्होंने तो क्या हुआ, समझा नहीं मैं. सर, इन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया. मैंने ड्रॉप कर दिया. अच्छा, सॉरी यार. सर सेकंड. अच्छा, बैठ बैठ के करते हैं. आ जाओ, खड़े होके एक्टिंग करते हैं, फिर लीक हो जाती है. आ जाओ जी. सर सर, मान लीजिए कि आप. अच्छा, एक बात बताओ, ये मूछे आपकी अपनी की किसी और की? मेरी है. बहुत क्यूट है यार. सर यार, आपको गुस्सा करना है, आप सीरियस रहो, आप ऐसा मत करो. मुझे मुझे होटो के ऊपर से निकले, नाक के बीच में से निकले. अरे सॉरी. ओके, अब क्या सिचुएशन क्या है अभी? कि सर की गर्लफ्रेंड ने उनको डंप किया और वो एक साल बाद आपसे आके मिलती है. एक साल बाद आके मिलती है? हाँ. अच्छा, तो देन मैं बताता हूँ करके. अच्छा, गर्लफ्रेंड का रोल के अरिजीत सिंह का. अरिजीत सिंह. अच्छा, मुंह इधर करो, कैमरा उधर. अच्छा, तो आप एक पर्सन चाहिए मेरे को. अच्छा अच्छा, मैं बन जाऊँ, हेल्प करूँ आपकी? यस सर. मैं हूँ सर. आप आके मैं को पीछे से. अच्छा, नॉक करना. क्या नॉक करना है? हाँ. आपके दरवाजा लगा पीछे, क्या करूँ? सर बुलाना. अच्छा बुलाना, ठीक है. ओ भगवान. हेलो. हेलो सर. हाँ, तो इतने सालों बाद. हेलो सर. अरे तुम सर. हाँ, तुम इतने सालों बाद. हाँ, तो तुम नहीं इतने सालों बाद. तुम मुझे एक साल पहले छोड़ के गई थी. मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था. हाँ, तो मैं वापिस आ गई ना फिर. तो क्यों आई हो? मेरी मर्जी. That's not my problem. प्रॉब्लम किसकी है? That's your problem. क्यों आई हो तुम मुझसे मिलने? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. No, I don't love you. Oh God. अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम पिछले साल मुझे छोड़ के क्यों गई थी? मेरा पेट अपसेट था. तुमने भी तो मुझे छोटे से रीजन की वजह से छोड़ दिया था. मैंने इतना सा फाट किया, तुमने मुझे छोड़ दिया. सबके सामने करोगी तो यही तो होगा. तो अगर सबके सामने आए तो कहाँ रिस्पेक्ट है मेरी वर्ल्ड वाइड में? पर वो रिस्पेक्ट नहीं देखता है, वो टाइमिंग होती है तो होती है. सर गुस्से वाला. गुस्सा मैंने थोड़ी करना, मैं तो अपना पार्ट कर रहा हूँ ना. आप अपना आप गुस्सा करो आप. चलो मेरे साथ. नहीं. यार तुम बहुत क्यूट हो यार. यार अच्छा. सुनो, लिसन लिसन, कम 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 हियर कम हियर कम हियर. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. एक मोबाइल दे दो यार. आपने ना एक्टिंग तो मुझे पता नहीं अरिजीत ने सीखी आपसे कि नहीं, पर मुझे आप बहुत क्यूट लगे हो. अरिजीत, ये खूबसूरत सा मोबाइल आप इनको गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए. Absolutely, you deserve it. तो आप करते क्या, बताया नहीं आपने? I'm a student. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? No, that's the course, animation course. अच्छा. In Mumbai, in Malad. अच्छा ठीक है.
So, institute name? हाँ. मुझे एक बात बता यार, तू अंग्रेजी बोलता है कि जबरदस्ती आ जाती है? सर बोलता नहीं हूँ सर. हाँ इंडिया में हूँ तो हिंदी प्रेफर करता हूँ. हाँ तो यहाँ. अच्छा. नहीं तो इंडिया से बाहर भी जाते रहते हैं आप? नहीं. तो फिर क्यों यार? जाने का मन है, जाने का मन है. जाने का मन है इंडिया से बाहर. मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें गवर्नमेंट भेज देगी. बॉय थैंक यू. वेलकम. तो अरिजीत, मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करता हूँ हमेशा. कौन भैल करोड़पति, तो मेरे को आपके साथ शूट करना है. ठीक है. फटाफट सेट लगाया जाए. नमस्कार, सिटी केबल में आपका स्वागत है. आप पूछ रहे होंगे सिटी केबल कैसे? ये रही सिटी और ये केबल सिटी है. मैं कत्रुगन सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता अपने खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति. और आज हॉट सीट पे बैठे हैं बहुत ही कूल सिंगर अरिजीत सिंह. तालियां. ए बेताले लोग, तालियां रिदम में होनी चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बस बस बस, मेरे खारिश हो रही थी. इसलिए गया. अरिजीत जी हॉट सीट पे बैठे हैं तो क्या हम कमोड़ पे बैठे हैं? हमारा परिचय नहीं कराएंगे क्या? इसके पहले इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर पे आती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार लो फ्लो में निकल गया. ये है मोहल्ले की भाभी रिंकू देवी. मोहल्ले की नहीं, हम नगर की भाभी हैं. हमारे देवर का नाम है नगर. तेरी चुप का चाप. मतलब खामोश. चुप का चाप का मतलब खामोश. रिंकू जी, आपकी साड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है. आ रही है ना? आ रही है. आप इसको चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चेंज नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है. एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते हैं. चलता ट्रक 2 घंटे में सुखा देता है. आपकी लाइफ लाइन है फोन अ फ्रेंड और 2020. 2020 नहीं, 50-50 होता है. तेरी सारे गामा की पाधा. आजकल 2020 चल रहा है तो पहला सवाल 50 रुपए के लिए. आपके पास 50-50 के 2 है? एक नहीं है वॉलेट. ब्रेकिंग न्यूज, सिंगर अरिजीत सिंह हुए अमीर. 100 रुपए से नीचे के रोट रखने से किया मना. तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख रुपए के लिए. तो सवाल है, व्हाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिकॉज कोलावेरी इज नॉट सी, ऑप्शन बी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट ई, ऑप्शन सी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट जी, ऑप्शन डी. डी तो पहले कोलावेरी डी है. तो बताइए अरिजीत. बताइए ना. क्या बोलूं इसमें, आप ही बताइए. आपको तो लगता है कोलावेरी डी. कोलावेरी धूप में बैठती होगी बहुत ज्यादा और विटामिन डी मिल जाता होगा उसको. कोलावेरी डी. कड़क आंसर. फैंटास्टिक. तो आपका कहना है कि कोलावेरी डी. तेरी माँ डी. अगला सवाल अरिजीत से 50 लाख रुपए के लिए. अच्छा, डायरेक्ट 50 रुपए से? जी, 50 रुपए से 50 लाख. कैंदी पाओ, कैंदी पाओ. गाने में लड़की पाओ क्यों कहती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उस समय पाव फट रही थी, ऑप्शन बी उसकी पाव भारी हो गई थी, ऑप्शन सी उसका पाव भारी था, और ऑप्शन डी उसका पेट खराब है.
क्या कहते हैं? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी उसका पेट खराब. पेट खराब था. आपका क्या कहना रिंकू देवी? हम पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता. क्यों? हमको बिना पांव वाला ट्रिक आता है. उसमें क्या होता है? उस ट्रिक में आवाज नहीं आता है, आजू बाजू वाले का थोड़ा सा हाव भाव बदलता है. गैस का सिलेंडर तो लॉक किया जाए. हाँ करो करो, लॉक कर दो. तो ठीक है, मशीन को लॉक कर दे. दो बार चोरी हो चुकी है. ऐसा कभी नहीं हुआ सौ में पहले. ये तो हंसी वाला बात हो गया. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने उनके कहने पे. ऑप्शन डी. वेरी गुड, थैंक यू. आप जीत गए 50 लाख रुपए. थैंक यू. तो ये लीजिए 1 करोड़ का चेक. और इसको साइन कर दीजिए. एक करोड़ इसको साइन कर दीजिए. ना ना ना, पहले जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसको तुम होस्ट बनाया है. लो लो में निकल गया. करो जी. लेकिन ये क्यों साइन करेंगे? क्योंकि मैं करता तो बाउंस हो जाता है. साइन छोड़िए, ऑटोग्राफ समझ के साइन कर दीजिए. के भाई इधर करो. अच्छा पेन चालू नहीं है वैसे. अकाउंट भी चालू नहीं है. बहुत चालू है. 50 लाख रुपए जीते और हमने चेक साइन करा 1 करोड़ रुपए का. तो ये रहा आपका 50 लाख. ये लीजिए. और हमारा 50 लाख हमारे पास. 5,000 हमको भी दे दो. तो ब्रेकिंग न्यूज, अरिजीत सिंह बने लखपति. क्या ब्रेकिंग न्यूज? लखपति हो पहले से करोड़पति है. लखपति बना कर डिमोशन कर रहा है उनका. तेरी नेहा का झूपिया. अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए. आपका गाना है रे फकीरा मान जा. मान नहीं रहा. तो ये बताइए फकीरा मान क्यों नहीं रहा? ऑप्शन ए फकीरा दूल्हे का जीजा है. ऑप्शन बी फकीरा ढीठ है. ऑप्शन सी फकीरा डिप्रेशन में है. या ऑप्शन डी फकीरा बाय नेचर ऐसा है. बताइए. लाइफलाइन यूज कर लो. इसमें मुझे वही लग रहा है. लाइफलाइन. कौन सा 2020 क्या? पाइपलाइन. 2020 का सामान लाया जाए. आइए. क्या चीटिंग करोड़पति खेल. आइए. क्या करना? आप करेंगे बैटिंग और हम करेंगे बॉलिंग. हम फील्डिंग करेंगे. वेरी गुड. आप आगे जाइए. आप करेंगे बैटिंग. अरे नहीं करूंगा मैं बैटिंग. अरे आप बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग करता हूँ. अभी चौका लग गया था. बैट मेरे हाथ में फंस जाता. मान क्यों नहीं रहे? हम फील्डिंग करते हैं. पिछली बार भी ऐसे फील्डिंग की थी पर साड़ी में कुत्ता घुस गया था. थोड़ा कम करो. हाँ आपको बॉल कराने के लिए आ रहे हैं. लॉक हो गया. अभी जवाब ही नहीं दिया तो कैसे लॉक हो गया? तेरी ज्वाला का घुट्टा मेरा हाथ लॉक हो गया. बहुत खराब खेल है, मुझे खेलना नहीं. आप आइए अगला राउंड खेलते हैं. हट. मैं हाथ में भी किट है ज्यादा. घुट्टा घुस गया. गुस्सा मत करिए, आप मर जाइए. अगला राउंड शुरू करते हैं. अगर शामा है तो कह देना चेन हुआ था. फ्लो फ्लो में निकल गया. उसमें क्या है? फ्लो फ्लो में अगर हमारा कराटा निकल गया तो 15 चाटे से कम एक नहीं मारूंगा. अगला सवाल. पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए. ये दिल बैठता है इतना बड़ा अमाउंट सुन. इकट्ठा देखे नहीं है कभी. अगर मिल गया तो हम भी नहीं. अरे साड़ी का ब्लाउज. चुप. मिल जाएगा आपको. लेकिन सवाल से पहले एक बात याद आई. क्या? बुरी नजर वाले तेरी मुंह काली मुलगी शिकली प्रकृति झाली.
समाज के हित में ये बात कही। हमको भी कुछ याद आया। क्या? हम कोल्ड ड्रिंक पिया था, डकार लेना भूल गए थे, अभी याद आया। तेरे सेट मैक्स का सूर्य वंशम। आइए बैठिए। अरे यार, 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओ बॉय, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो बताइए कि मुस्कुराने की वजह है कौन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन बी द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन सी द कपिल शर्मा शो, या फिर द कपिल शर्मा शो। आदमी प्रमोशन को कभी मौका नहीं छोड़ते हैं, पता है। हम इसमें अपना पाइपलाइन इस्तेमाल करेंगे, हम अपना नन्ना संतोष को फोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे, संतोष को फोन लगाया जाए प्लीज। संतोष को फोन लगाना चाहती हैं? संतोष, ओके, संतोष। संतोष, अगर माँ का दूध पिया तो फोन उठा। उठा फोन, तेरे हट। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। जी, बात करिए। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो खाना खा रही है। बस कर, खाना खाना सारा दिन खाती रहेगी क्या? यहाँ हम फंसे पड़े हैं, हमारा मदद कर। सुन, अभी हमारी जीत जी के साथ बैठे हैं, अच्छे लड़के हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। इतनी देर से एक सेक्सी औरत साथ बैठी, अभी तक टच नहीं किया है। सुन, रिश्ता का बात पक्का करते हैं? अरे तो ज्यादा पूछताछ मत कीजिए, हाँ कर दीजिए। तेरे मोहन का जो दार है फोन रख। बात करती है। अभी उसकी तरफ से हाँ है, अगर अभी अगला मुहूर्त निकलेगा ना, जब भी 2-3 मिनट में आपका शादी कर देंगे। अगर अरिजीत बिल्कुल रेडी नहीं, किधर को कितना शर्मा रहे, बकवास। शर्माहट का क्या है? शर्माहट तो हम अभी खोल देंगे। दर्द हो रहा है अभी। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, देखिए। अरे आइए, आपका शर्माहट हम खोलते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मानो मेरी बात, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेट अच्छा लगा, पेट अच्छा लगा। मैं हमको पार्टी करने का बहुत मन है आपके साथ। पार्टी मतलब? आपका गाने पे हम बहुत नाचते हैं। हाँ। तो नाचने का बहुत मन है। हाँ ठीक है। वो गाना है आपका सूरज डूबा है। हाँ ठीक है, आप नाच लीजिए, वैसे भी नाच रहे हैं। अरिजीत अभी तक लगे हुए हैं। अरे क्या। अरिजीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसा लग रहा है आपको आज? मैं मर गया। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, पर आई होप कि हमने आज आपको थोड़ा बहुत ज्यादा, मैं अभी सो नहीं पाऊंगा। तो हमको बुला लीजिए, हम भी कभी नहीं आता है। हम बैठ के पत्ता खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे। सत्ती पे अट्ठी, अट्ठी पे सत्ती। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, big fan of yours. Thank you, Arijit ji, बहुत है। हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका तो रोमांस आपसे शुरू किया है। रिंकू भाभी, वहाँ से फोन लेके एक सेल्फी लेनी। कितने का दिया? लाओ, आइए। Oh God. कम अरिजीत। भाभी, आपका मुंह आ रहा है। तो हमारे पैर थोड़े ही आएंगे फोटो में। Thank you. अरिजीत के लिए तालियां। आप सब लोग अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।